फ्रेंड्स, आई एम अयान फ्रॉम टेक क्रेज। हाजिर हूँ एक और न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल के कैमरे को एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो। यस, एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो अपने ट्यूटोरियल बनाने के लिए। इसको आप, अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल के कैमरे को एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, एंड उसी वही सेम एप्लीकेशन आपको अपने जो है पीसी में एज अ क्लाइंट डाउनलोड करनी होगी। तो मैं मोबाइल का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पीसी का दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, ड्रॉइड कैम। ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं एंड सिंपली टाइप ड्रॉइड कैम। यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशंस मिलेंगी, फर्स्ट जो है वो फ्री है एंड जो है सेकंड वो पेड एप्लीकेशन है। आपने फ्री वाली जो है वो फर्स्ट वो डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद इसको जो है ओपन करना है। ओपन करें, ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली आपका वाईफाई आप आईपी ड्रॉइड पोर्ट 4747 ब्राउज़र आईपी कैम एक्सेस ईटीसी ये आपको बता देगा। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन जो है वो अपने पीसी में डाउनलोड करनी है, और पीसी में क्या करना है उसका तरीका मैं आपको अभी दिखाता हूँ पीसी में कि वहाँ पे आपने क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखें, अब मैं पीसी में आ गया हूँ, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पीसी में इसकी जो है वो सेटिंग क्या है और कौन सी एप्लीकेशन जो है वो पीसी में आपने इंस्टॉल करनी है। पीसी में भी सेम एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है ड्रॉइड कैम, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएं एंड सिंपली टाइप गूगल, google.com के ऊपर सर्च करें जो कि ड्रॉइड कैम क्लाइंट, ये आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। विंडोज़ DEV47 एप्स फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसका जो है वो कंप्यूटर क्लाइंट वर्जन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करें एंड इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं, सिंपली नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो ये जो है इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस था। इसको ओपन करें तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस जो है आ रहे हैं, डिवाइस आईपी जो है ड्रॉइड कैम पोर्ट जो है 4747 है। तो अब आपको कुछ ऑप्शंस देखने होंगे। सबसे पहले जो है अपने मोबाइल को देखें एंड वो वाली एप्लीकेशन जो है ड्रॉइड कैम अपने मोबाइल में ओपन करें। मैं अपने मोबाइल में ओपन करता हूँ। तो मोबाइल में ओपन करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे वो डिवाइस आईपी जो है मोबाइल वाला यहाँ पे डालना है। वो आपको नज़र आ रहा होगा जो कि वाईफाई आईपी के नाम से 192.168.1.10 ये एप्लीकेशन वहाँ पे आप खोलेंगे। तो मैं यहाँ पे अब टाइप करता हूँ 192.168.1.10। आपके पास शायद ये आईपी जो है कुछ और हो, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं, आपकी एप्लीकेशन में ये आईपी शो हो रहा होगा। सिंपली स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो है वो मोबाइल एज अ वेबकैम यूज होने लगेगा। वायरलेस, आप अपने मोबाइल को वायरलेस यूज़ करेंगे। आप अपने मोबाइल को कहीं भी रख दें, आपका पीसी कहीं पर भी पड़ा हो, आप अपने मोबाइल को किसी भी जगह पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आपका मोबाइल 100% जो है वो वेबकैम यूज़ कर रहा है। आप देखिए, तो ये वेबकैम जो है आपके मोबाइल को यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके ज़रिए आप आसानी से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आसानी से आप जो है अपना वर्क कर सकते हैं, आसानी से अपने दूसरी जो कि ज़रूरत है ट्यूटोरियल बनाने के लिए, कुछ भाइयों को ज़रूरत थी तो ये मुझे ट्रिक जो कि पता चली थी, मुझे ये आती थी, तो मैंने सोचा कि ये जो है कुछ आप भाइयों के साथ मैं शेयर करूं। तो थैंक्स फॉर वॉच फ्रेंड्स, ये थी ट्रिक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक डैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में इसी तरह की अच्छी से अच्छी ट्रिक्स जो मुझे मिलती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आप भाइयों तक पहुँचाऊँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लोगों तक मेरी वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।